देश में पैर पसार रहा H5N1 वायरस। राज्यों में बढ़ रहा बर्ड फ्लू का खतरा। देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। दूसरे राज्यों के लिए जारी किया गया अलर्ट। H5N1 वायरस भारत में तेजी से फैल रहा है। 5 राज्यों में पक्षियों के अंदर बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि होने के बाद अब दूसरे राज्य को अलर्ट पर रखा गया है। कुछ और राज्यों में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आने की खबर आई है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। इसे देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट हो चुकी हैं। इन राज्यों में कुछ जगहों पर पक्षियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। हालांकि क्या वो बर्ड फ्लू ही है, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। उधर केरल में केंद्र सरकार की 3 सदस्यीय टीम हालात का जायजा लेने गई है। यहां 50,000 से ज्यादा पक्षियों को मारा जा चुका है। भारत में बर्ड फ्लू का यह 4th मामला है। भारत में बर्ड फ्लू के पहुंचने का यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी H5N1 का वायरस भारत में लाखों पक्षियों की मौत की वजह बना है। पशुपालन और डेयरी विभाग के मुताबिक भारत में साल 2006, 2012, 2015 और अब 2021 में बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा ने हमला किया है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की साइट के मुताबिक बर्ड फ्लू की वजह से भारत में अभी तक किसी इंसान की मौत नहीं हुई है, जबकि दुनिया भर के 16 देशों में 846 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए, इनमें से 449 की मौत भी हुई। इन 16 देशों में से 3 देश भारत के पड़ोसी हैं, इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार हैं। भारत में अभी तक बर्ड फ्लू के H5N1 वायरस ने ही हमला किया है, जबकि इसका एक और खतरनाक वायरस है जिसे H7N9 कहते हैं। साल 2013 में H7N9 की वजह से चीन में 722 इंसान संक्रमित हुए थे, इनमें से 286 लोगों की मौत हो गई थी। बर्ड फ्लू का यह वायरस H5N1 से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इन्फ्लुएंजा के करीब 5 स्टेट से रिपोर्ट हो चुका है, एक दो जगह और शायद वो है, क्योंकि प्रदेश सरकारों से 5 सरकारों से हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरला से ये रिपोर्ट आ चुकी है। और इसमें अभी तक ये एक तरह से कह सकते हैं हरियाणा से रिपोर्ट है पोल्ट्री में फैली है, नहीं तो वाइल्ड जो बर्ड्स हैं उनमें है, या आप कह सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स जो बाहर से आती हैं उनमें। और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, 2006 में पहली बार देश में आया था एवियन इन्फ्लुएंजा, और उसके बाद अगर पिछले 5 साल से 2015 से सर्दियों के सीजन में करीब करीब हर साल कुछ न कुछ केस रिपोर्ट्स होते हैं। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में इसका वैसे ट्रांसमिट हो सकती है ह्यूमन में, लेकिन ट्रांसमिशन की कोई रिपोर्ट आज तक हिंदुस्तान में रिपोर्टेड नहीं हुई है। तो अभी जो भी है उसके प्रिवेंटिव मेजर जो करते हैं, कोई ट्रीटमेंट तो इसका है नहीं, लेकिन सावधानी बरते सभी प्रदेश सरकारें, और जो उनका डिस्पोजल ठीक हो बर्ड्स का जो मर चुकी हैं, और उसको किसी तरह से मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया जाए बर्ड्स का इस समय पे, यही कुछ सावधानियां हैं। इसकी सावधानी है, ट्रीटमेंट इसका नहीं है। पशुपालन और डेयरी विभाग के मुताबिक साल 2006 से लेकर साल 2015 तक भारत के 15 राज्यों में 25 बार मुर्गियों में बर्ड फ्लू का वायरस यानी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस मिला। भारत में सबसे पहले 19 फरवरी 2006 को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के नवापुर गांव की मुर्गियों में बर्ड फ्लू का वायरस मिला था। इसके बाद अगले 5 दिनों में सरकार ने 2,53,000 मुर्गियों को मार दिया। उस वक्त जिन लोगों में फ्लू के लक्षण मिले थे उन्हें क्वारंटीन किया गया था। करीब 150 लोगों का सैंपल लेकर पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भी भेजा गया था, लेकिन किसी भी इंसान के संक्रमित होने या मरने की खबर नहीं आई। भारत में अब तक किसी भी इंसान में इस वायरस के ट्रांसमिशन की खबर नहीं मिली है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया भर में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ हो। दूसरे देशों में पक्षियों से इंसानों में ये वायरस पहुंच चुका है, जिसके कारण जरूरी है कि भारत सरकार पूरी तरह संतुष्ट होकर ना बैठे। जरूरी है कि इस वायरस को रोकने के लिए जितने कदम हो सके उतने सरकार उठाए।